नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं निशा आपके साथ और इस वक्त हम लोग यहां पे मीनार में आए हुए हैं, शहीद मीनार में। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोगों की यहां पे भीड़ है। आखिर वजह क्या है भीड़ होने की? यहां पर डीए को लेकर के लोगों की मांग है। आइए बातचीत करते लोगों से कि क्या परेशानी है लोगों की। प्रदर्शन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, सरकार जो है, सरकार ने जो हमारा जो सरकारी कर्मचारी लोग है, इनका जो मांग है, जे डियरनेस अलाउंस का जो मांग है, इस मांग को पूरा नहीं कर रहे। और आज नहीं है, पिछले 10 साल तक हम लोग देख रहे हो, इस सरकार एक पैसा भी नहीं दिया डियरनेस अलाउंस के लिए। ये इनका हक है। हमारा हाईकोर्ट सिंगल बेंच डिवीजन बेंच ने अभी इसका डिवीजन बेंच ने घोषणा किया, रायदान किया और इस जांच को खत्म किया। जो डीए है, इनका जो मौलिक हक, और इस हक को किसी ने, कोई ने इसको छीन पाएगा। लेकिन इस सरकार किसी ना किसी बहाना में इस डीए को अस्वीकार कर रहे हैं और देने के लिए लोग तो साजिश कर रहे हैं, नहीं दूंगा डीए। जब इस बात हमारा चीफ मिनिस्टर को पूछा जाता है, उन्होंने बोलता है मेरा मुंडू ले लो। हम लोग बोलता हो आपका माथा भी नहीं है, मुंडू भी नहीं है, इनका कोई दिमाग नहीं चलता है। सरकार जो चला रहा है, इन लोगों का खेल इसमें है, जो पैसा उठाओ, तोला उठाओ और पैसा उठा के बंगाल को पूरा एकदम डकैत राज चलाओ, बंगाल में पूरा तोलाबाज राज चलाओ। वही सरकार चल रहा है अभी, बंगाल का सरकार और चीट फंड का सरकार एक मिल गया। आप लोगों ने देखा जो यहीं पे नौकरी बिकता है, और कौन भी इस नौकरी को बिकता है? जिस सरकारी लोग जो है काम नौकरी देने वाला था, वो अभी नौकरी बेचने वाला बन गया। यही है बंगाल। अभी सरकारी कर्मचारी लोग इस जो स्ट्राइक किया, स्ट्राइक में एक ही घोषणा है, जो हमारा जो मांग है, मौलिक हक है, इसको अभी दिया जाए और पूरा किया जाए, नहीं तो ये स्ट्राइक चलेगा। मेरा हक के दावे है, जो बकाया डीए और सब सुन्ना पद में स्वच्छ नियोग, इस दावे में हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपको क्या पेंशन नहीं मिली है, इसके लिए कर रहे हैं क्या? आपका यहाँ की क्या मांग है सरकार से? कितने कर्मचारी? 10 लाख। 10 लाख कर्मचारी। कितने टाइम से आपको हम लोग 42 दिन पर यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, और 29 दिन से अनशन पर बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, बताइए? ये धरना प्रदर्शन आपका 43 दिन से चल रहा है और अनशन 29 दिन से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली राज्य सरकार हमारा जो महंगाई भत्ता है वो पिछले कई साल से नहीं दे रही है, साथ ही जितने भी शून्य पद है उन सब पे नियोग नहीं कर पा रही है, साथ ही जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क पे जितने लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों को भी परमानेंट की सूची में नहीं ला रही है। तो यही तीन दावी लेके हम लोगों का ये जो धरना है 27 जनवरी को यहाँ हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसका 43 दिन है। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, 43 दिनों में राज्य सरकार को एक दिन भी समय नहीं हुआ हमारे यहाँ आके हमसे मिले और हमारा जो दावी है उसके बारे में हमसे बात करें। ये सरकार की व्यर्थता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम लोग 105% डीए दे रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे ये सवाल है कि 105% डीए हमारा पे स्लिप में वो दिखा दे, हमको 105% डीए नहीं चाहिए। अभी करंट में जो 36% डीए हमारा बकाया है वो हमें चाहिए, लेकिन सरकार बोल रही है हम डीए नहीं दे पाएंगे। तो ये कंप्लीट फेल्यूर है गवर्नमेंट का, जो ये नहीं दे पा रही है। साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ, 2016 में जब हमारा छठवां वेतन आयोग जब लागू हुआ था, उस समय हमारा हाउस रेंट था 15%, उसको कम करके उन्होंने 12% पे लाया और डीए का कॉलम जो था शून्य था। अचानक से उनको याद आया डीए शून्य नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उन्होंने फिर 3% डीए की घोषणा की। फिर कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा में चिरकुट के माध्यम से 3% डीए की घोषणा की। तो हिसाबन आप
अगर देखेंगे मैथमेटिकली 6% आपको दिखेगा डीए, लेकिन अगर लॉजिकली सोचे 15% हाउस रेंट को कमा के 12% पे लाया, उस जगह पे 3% देके डीए शुरू किया, अर्थात मिल रहा है हमें 3%, लेकिन लॉजिकली आप सोचेंगे 3% ही है, ये मैथमेटिकली 6% दे रहा है। उस हिसाब से अभी के टाइम पे हमारा 36% बकाया अभी भी है जो राज्य सरकार नहीं दे रही है, और ये पूरी तरह से उनकी व्यर्थता है नहीं देने का। वो कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, डीए का पैसा क्या किया आप लोगों ने? आप लोग ये बताएं, पूरा संपूर्ण हिसाब दे हमें कि आखिर डीए का पैसा गया कहाँ। वो जो ये बोल रही है मैं दे नहीं पा रही हूँ, नहीं है मेरे पास, ये संपूर्ण झूठ बात है। ये सारे पैसा का इधर उधर अनप्लान्ड वे में उन्होंने खर्च किया है सारे पैसों को। अगर डीए देती तो आज जो हमारे साथी बंधु जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, उन सब के साथ भी हम लोग जाते, वहाँ भी पैसे खर्च करते, तो उनकी भी रोजगार बढ़ती, आय बढ़ती, इससे हमारा राज्य ही आगे बढ़ता। यानी राज्य सरकार नहीं चाहती है कि हमारा राज्य आगे बढ़े और उसे पीछे की तरफ धकेल रही है, क्योंकि डीए का निर्धारण होता है AICPI अनुजाई, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी को मेंटेन करने के लिए डीए का भुगतान किया जाता है। यानी आज डीए नहीं दे पा रही है, इसका मतलब यह है कि राज्य का विकास सरकार ही नहीं चाह रही है। लगातार आप लोग इस तरह से धरना दे रहे हैं, आने वाले समय में यह आंदोलन और जोरदार होगा। जब तक सरकार हमारी सारी मांगे नहीं मान लेती है, हम यहाँ शहीद मीनार से नहीं लौटने वाले हैं। 2000 कर्मचारी यहाँ पे हैं, और बाकी जो जहाँ अपने अपने जगह में, उन सब आज स्ट्राइक का पालन, धर्मघट का पालन किए जा रहे हैं। धरना हो रहा है 43 डेज तक, धरना हो रहा है और अनशन हो रहा है 29 डेज तक। तो ये तो हमारा जो दावी है महार को भाता DNS अलाउंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी, फिलिंग ऑफ द पोस्ट, ये ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता से नियोग कीजिए, नियोग किया होगा, और जो अनियमित कर्मचारी है उसका नियमितकरण के लिए। आज हमारा जो हड़ताल हुआ वो हड़ताल 100% हुआ, सफल हुआ, एवं गवर्नमेंट को हम बोलता है ये हमारा दावी मान लो, यदि वो लोग नहीं मानता तो हम लोग भविष्य में हम लोग लगातार हड़ताल में चला जाएगा। इतनी उम्र में धरना देने की कितनी परेशानी हो रही है, इस उम्र में धरना देना आप लोग? हाँ, उम्र तो हुआ, लेकिन हम तो एक पेंशनर है, डीए तो नहीं मिलता तो क्या करेगा। जो रुपया में हमको पेंशन मिला अभी दो बरस तक वो एक ही है, लेकिन महंगाई तो बढ़ गया, जो बाजार से चीज किनता, दवाई किनता, हमारा जेनाना बीमारी है उसके लिए ये दवाई किनता है, उसका दाम तो डबल हो गया, तो इसीलिए हम इधर बचा है। हम ABTA से आएगा, कोलकाता जिला कमेटी ABTA। अच्छा अच्छा, आप सपोर्टिंग में क्या? अवश्य अवश्य, आपकी मांग क्या है सरकार से? मानते ही हबे, लड़ाई हमारे जारी आछे, रास्ता लड़ाई हमारे, दाबी होच्छे ABTA दाबी, डीएर दाबी, स्वच्छ नियोगेर दाबी, जे छेले मेरा आज उपयुक्त तारा शिक्षक होते पारिनी, एई दाबीतेई आमरा लड़ाई करछि। आमादेर डीए जे अनुदान नाय, आमादेर हकेर दाबी, एई दाबीतेई आमरा लड़ाई। ये धरना हो रहा है, तीनों दाबी के सपक्ष में ये धरना चल रहा है। यहाँ पे जितना सारा है सभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सरकारी कर्मचारी है। ये जो गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल का, 11 साल से लेकर आज तक सरकारी कर्मचारियों को जो DNS अलाउंस दिया जाता है वो नहीं दिया है। सिक्स पे कमीशन उस समय उसने जो HRA था 15% पहले फिफ्थ कमीशन में, उसको कम करके 12 कर दिया गया था, और जो सिक्स पे कमीशन में वेतन जो पे स्केल आया था उसमें DNS अलाउंस 0 कर दिया था। तो ये पहले वाला गवर्नमेंट है जो अपना कर्मचारियों को DNS अलाउंस नहीं देता है। तो हम लोगों ने 11 साल तक यहाँ पे इंतज़ार किया और देखा कि वो डीए दे देगा, हम लोग सोचा था, लेकिन वो सब तो कुछ नहीं किया। फिर हमने जो देखा ये गवर्नमेंट ये डीए नहीं देगा हम लोगों को, तो इसीलिए और जो खाली शून्य पद जो सब पड़ा हुआ है उस जगह पर भी किसी को रिक्रूटमेंट भी नहीं किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल को चलाने के लिए ये तो जरूरी है, जो युवा
पढ़ा हुआ है, जो एडुकेटेड है, उन सभी को नौकरी यहाँ नहीं मिलता है, जो घूस दे सकता है, जिसको पापा के पास बहुत सारा पैसा है और घूस दे के यहाँ पे नौकरी मिलता है। हाई कोर्ट ने ये प्रूफ भी कर दिया और उन लोगों को छटाई भी कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट को हम लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट का जितना सारा सेक्टर है सभी जगह पे, वहाँ पे परमानेंट आप एम्प्लॉयड कीजिए, तो नहीं करता है। तो ये भी हमारा दूसरा मांग है कि जो है उन सभी को, जो खाली है, शून्य पद है, उसी जगह पे सबको रिक्रूटमेंट करना है और जो डीआरएनएस अलायंस है वो आपको देना पड़ेगा। सरकार से मांग आपकी यही और अपील भी आपकी, कब तक धरना करते रहेंगे? बात तो धरना का नहीं है, आप लोगों को पता है कि नहीं? पता नहीं, 29 डेज और यहाँ पे हो रहा है 670 आवर्स यहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है। मतलब 29 डेज ये लोग भूख हड़ताल कर रहा है सिर्फ अपना दावियों के लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे ही उसका नवान्न है, लेकिन एक बार आने का उसका क्षमता भी नहीं हुआ है। जी आपने सुना होगा लोगों की क्या परेशानी, आप देख सकते हैं कि धरना देते देते यहाँ पर लोगों की तबीयतें खराब हो गई। आप ये देखिए, क्या हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 43 डेज हो गया, 29 डेज हो रहा है अभी। टोटल 43 डेज से आप यहीं पर हैं? हाँ। आपकी क्या तबीयत खराब हो गई? हाँ, एक बार हॉस्पिटल गए थे, फिर आए थे, और मेरा जो कैप्टन है भास्कर दा, उसका भी तबीयत बहुत बुरी हाल है अभी, बुरी तरह से। इतने दिन से जो आप लोग यहाँ पर दे रहे धरना, कुछ उसका रिजल्ट निकला? नहीं, पहले वो 3% डीए दिया था गवर्नमेंट, मगर वो हम लोगों का मांगे 38% है, वो तो 3% जैसे समुद्र में थोड़ा सा पानी डालने के बजाय जैसा है यार। वो जो मांग का हम लोग कर रहे हैं ना, वो मांग हम लोगों का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सिर्फ डीए बढ़ाने का आंदोलन नहीं है ये, इसके साथ वो जो आगामी प्रजन्म का, नेक्स्ट जनरेशन का, उसका एक मजबूत भविष्य देने के लिए ये लड़ाई है। उनका 38% डीए पूरा मांग है, जो पिछले 6-7 साल से हम नहीं मिल रहा है मूल्य हम लोगों का, और जो ग्रेजुएट एमए बीएड डिग्री होल्डर्स, वो सच्चाई से, सफ़ेदी से वो नियोग मिले उसको, क्योंकि यहाँ पे जो घोटाला हो रहा है ना, मंत्रिमंडल का सब लोग, जो एडुकेशन डिपार्टमेंट का सब लोग, वो जेल में खड़ा हुआ है अभी। पार्थ चट्टोपाध्याय जो हम लोगों का एडुकेशन मिनिस्टर था, वो अभी जेल में है। हम लोगों का जो चेयरमैन था सुबीरेश भट्टाचार्य, वो भी जेल में है। तो सारा मंत्रिमंडल का जो हम लोगों का एडुकेशन डिपार्टमेंट में था, वो सब लोग अभी जेल में है। तो इसके ऊपर मुद्दे के लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोगों का जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, हम लोगों का भाई बहन जो है, उस लोगों का चाकरी जॉब के लिए हक के मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। हंगर स्ट्राइक शुरू हुए, 29 डेज हो गया, और आज हम नया 5 स्ट्राइक करने वाला है। ये 5 आदमी आज जितना दिन हम लोग को डीए नहीं मिलेगा, तीन दिन ये आंदोलन चलेगा, चलते रहेगा, लगातार आंदोलन होगा। हम लोग को डीए चाहिए, ये गवर्नमेंट को डीए दिला ही पड़ेगा। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो उम्र दराज है, जो एजेड है, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बोलिए दोस्तों, क्या जो यहाँ पे जिंदेस का नाम पड़ा है, जो AICTI का महंगाई भाता जो दिया जाता है, वो सिर्फ पेंशनर को वही मिलता है, इससे अलावा उसको उसका बढ़ता नहीं है। तो उन लोगों को आज 11 साल में 2 बार मिला है, अभी नहीं है, 6% हमको मिलते हैं। तो उन लोगों को देखिए, अभी जो AICPI का मुताबिक जो 42% है, तो उसी के तरह उन लोगों को तो हर एक किस्म का खर्च को बाढ़े चले ना, तो दवाई का हो या खाना का हो, उम्र का जितना बढ़ता है दवाई ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह उन लोगों को जो बेकामी हो रहा है, वो हमारे गवर्नमेंट के लिए है, तो उन लोगों ने इसलिए आए हैं। और हमारे राज कर्मचारियों ने अभी तक 3% सिर्फ दिए मिलते हैं, जहां हमारे AICPI के मुताबिक 42% है।
तो हमारे ये भूख हड़ताल आप लोग देखिए, हमारे 29 दिन हो चुके हैं, 29 दिन भूख हड़ताल चल रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं 43 डेज हम लोग बैठे हैं यहाँ से। हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय ममता जी है, ममता जी ने वो हम लोगों को क्या कहते हैं काला सर्कुलर जारी करके हमको कोशिश कर रहा है कि हम डर जाए, डराने का। लेकिन हम हर पश्चिम बंगाल के हर किस्म का राज कर्मचारियों ने इस डर को हम लोग थूक दिया है, क्योंकि हम हमारे हक के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भूख हड़ताल चलेगा। हमारे जो कैप्टन है भास्कर जी ने 29 डेज भूख हड़ताल में है। हमारे हर साथियों का हर पल हर वक्त उसका तबीयत बुराई के तरफ जा रहा है, उसके ज़िंदगी का कोई तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग इसलिए हम लोग 5 आदमी और भी आए हैं भूख हड़ताल के लिए। जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक ये हड़ताल चलेगी, और जब तक हमारे मांग ना पूरा हो जाए तब तक ये हड़ताल चलता रहेगा। तो जो भूख हड़ताल कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो कोई रिजल्ट निकला इसका, कुछ भी आपको लगा कि इसका कुछ रिजल्ट हुआ है? देखिए अभी तक हमारे पास कोई रिजल्ट आए नहीं, क्योंकि हमारे सरकार ने अभी तक हमारे मांग सुनने का तैयार नहीं है। उनके जो गुंडे लोग हैं अभी हमको डराने का कोशिश कर रहा है, उसके डर के बावजूद भी आप देखिए आज क्या कितने पश्चिम बंगाल के सारे कर्मचारियों ने, वो टीचर्स हो या वो कोर्ट का वर्कर हो, वो किसी हर प्रकार के राज कर्मचारियों ने आज आके इस हिस्ट्रिकल जो हमारे मैदान भरा दिया है। हमको डरते नहीं, हम डराने वाले, हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट डर गया हमसे, इसलिए वो ये कोशिश कर रहा है। लेकिन हम डरते नहीं, डराने के लिए नहीं, हम हमारे मांग के लिए यहाँ बैठे हैं। आपने सुना होगा कि लोग यहाँ पर भूख हड़ताल तक के भी कर चुके हैं, तो जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों की तबीयतें काफ़ी ख़राब हो गई हैं, और इन लोगों ने कहा है कि इन लोगों की जब तक के लोगों ने कहा है जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो लोग इसी तरीके से आगे इसको जारी रखेंगे और भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये तो अधिकार का धरना है। ये जो पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का जो पैसा है उसका धरना नहीं है, ये कमाई का धरना नहीं है, ये धंधाबाजी का धरना नहीं है, ये सही का धरना है, ये अपना हक का धरना है। यहाँ पर क्यों डीए नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर क्यों चाकरी बेचा जाएगा, करोड़ों रुपया से चाकरी बेचा गया है। अभी सीबीआई ईडी इसके पीछे पड़ा हुआ है, काई को करेगा। ये जो यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, ये जो एजेंट लोग हैं उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, लेकिन कोई परेशानी का परवाह नहीं करता है। यहाँ पर लड़के तृणमूल कांग्रेस सरकार से डीए छीन के ये लोग उठेंगे। क्या मैसेज देंगे सरकार को? यही मैसेज देंगे, जितना जल्दी हो सके केंद्रीय हार से डीए इन लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिलने से एक दिन ऐसा आएगा पूरा स्ट्राइक सारा वेस्ट बंगाल से मिलेगा। बड़ी लज्जाजनक बात है ये, बंगाल के चित्र देखिए, जहाँ सरकारी जितना मुलाजिम है सब बैठे हैं अनशन पे कर रहे हैं। डीए के 35% डीए इन लोगों को मिलना चाहिए, 3% डीए ये क्या भीख दे रहे हैं? भीख नहीं चाहिए। बंगाल के सारे लोग अपने जमीन से बात कर रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, कोई अनुदान नहीं चाहिए। यह जो लोग बैठे हैं ये इस राज्यों को जो राजकोष से वेतन पाते हैं उस लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसका शरीक हम लोग भी हैं। हम लोग इस राज्य में जो स्कूल में पैरा टीचर SSKMS के टीचर सब कॉन्ट्रैक्चुअल एंड ठीका काम में हम लोग मौजूद हैं, तो हमारा भी दावी है कि ये सरकार जब सरकार में आए बोले कि 3 इयर्स में समस्त सब पैरा टीचर्स को उन्होंने स्थायी रूप में नियोजित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग नहीं रहेंगे। यही लिए हम लोग देखा कि 3 बरस हो गया, 3 टर्म हो गया कि ये सरकार आए, बट ये पार्श्व शिक्षक पैरा टीचर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज प्राय 43 दिन धरे हमारे अवस्थान করছি
আমাদের এই অবস্থানে যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ আমি যখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য ছিলাম তখন দেখেছি যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে স্বচ্ছতা ছিল সেই স্বচ্ছতা এই সরকারের আমলে সম্পূর্ণটাই বিনষ্ট হয়েছে। এবং উচ্চশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে এই সরকার সুন্দরবনের যে স্কুলগুলো ছিল প্রত্যন্ত এরিয়ার সেখানে শিক্ষক শূন্য, শিক্ষাকর্মী শূন্য হয়ে পড়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যেসব স্কুলগুলো সর্বশিক্ষাকে সামনে রেখে এই সরকার দিয়েছিল সেই স্কুলগুলিতে একজনও পার্মানেন্ট শিক্ষক নেই। শিক্ষক শিক্ষকের অভাবে সমস্ত স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এবং উচ্চশ্রী প্রকল্পের অধীনে শিক্ষক সব শহরে চলে এসেছে, তারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বিভিন্নভাবে তারা সেখান থেকে চলে এসেছে শহরে, লক্ষ তিন লাখ দু লাখ টাকার বিনিময়ে তারা সেই এটা পেয়েছে, বদলির সুযোগটা পেয়েছে। ফলে সুন্দরবনের যে স্কুলগুলোতে সায়েন্স স্ট্রিম ছিল সেই সায়েন্স স্ট্রিমের শিক্ষক শিক্ষিকারা চলে আসার পরে ওগুলো বন্ধ করতে হয়েছে। কমার্স স্ট্রিম আর্টস স্ট্রিম কোনো রকমের চলছে, তারও শিক্ষক নেই, শিক্ষিকা নেই। আমি কল্পনা মণ্ডল, ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট ফ্রম, মানে কমিউনিটি হেলথ সার্ভিসে আমরা কাজ করি, কমিউনিটির মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর কাজ করি। আমরা এই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে যুক্ত হয়েছি এবং আমরা এই দাবিকে নৈতিকভাবে সমর্থন করি। এবং মূল যে দাবি আমরা মনে করি, ডিএ হচ্ছে আমাদের অধিকার, আমার কর্মচারীদের অধিকার, এবং সেই অধিকারের লড়াইয়ের দাবিতেই আমরা এখানে আছি, অধিকার আদায়ের দাবিতে। দুই নম্বর যেটা, যে স্বচ্ছ নিয়োগ, কারণ ওয়েস্টবেঙ্গলে যেভাবে দুর্নীতিপরায়ণভাবে নিয়োগ হয়েছে সেই নিয়োগের বিরুদ্ধে আমরা বিরোধিতা করছি। তিন নম্বর হচ্ছে অনিয়মিত যে কর্মচারী, যারা 10,000, 5,000 মানে 15,000 টাকায় কাজ করছে, এই যুগে কিন্তু এই সময়ে এই টাকায় কিন্তু তাদের সংসার চলে না। আমরা চাই তাদেরকে নিয়মিতকরণ করা হোক, তাদের সম্মান দেওয়া হোক। এই তিনটে দাবির এতে আমরা লড়াই করছি। এবং আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে 14-15 হাজার কর্মচারী আমরা আছি, আমরা কিন্তু মোটামুটি 80% কর্মচারী আমরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছি। এবং আমরা চাই এই ডিএ আদায় হোক, এবং এই ডিএ আদায় হয়ে হওয়ার পর এই লড়াই আমরা বন্ধ করব, নাহলে আমরা লাগাতার এই লড়াই চলব। আজকের আমরা শহীদ মিনারে প্রায় 40,000 শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং সরকারি কর্মচারী এসেছি আমাদের হক অধিকার ডিএর দাবিতে। এবং যে দুর্নীতির মধ্য দিয়ে যে নিয়োগ হয়েছে, স্বচ্ছ নিয়োগের ভিত্তিতে রাজ্যে একটা শিক্ষাক্ষেত্রে সুশাসন ফিরে আসুক, আর যারা পার্ট টাইমার তাদের যাতে স্থায়ীকরণ হয়। এবং এইভাবে দুর্নীতির মধ্য দিয়ে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে এবং শিক্ষার সমস্ত মাথারা তারা জেলে, এইভাবে একটা রাজ্য চলতে পারে না। আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আমি সারা বাংলার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক, আজকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে এই শহীদ মিনারে আমরা আন্দোলনের সাথে আছি। এই আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে আগামী দিনে। তো আব তক আপ লোক সমঝ গয়ে হোঙ্গে কি ইয়াহাঁ পর লোগো কি মাঙ্গ, জো লোগো নে ইয়াহাঁ পে ইত্তে দিন সে জো ধরনা দে রহে উন লোগ কি মাঙ্গ ডিএ কো লেকার কে হ্যায়, অর ইয়াহাঁ পে জিতনে জ্যাদাতর লোগ সরকারি কর্মচারী ভি হ্যায়, তো ইয়াহি লোগো কি পরেশানি হ্যায়, ইন লোগ কি ইয়াহি মাঙ্গ হ্যায় কি ইন লোগো কি মাঙ্গো কো পুরি কি জায়ে। हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक टोटल जो स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी है उसके जो नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, गौरबंगा यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, ऐसे सारे यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर के लेके भारतीय मजदूर संघ जो सर्वबृहत संगठन है उसका एफिलिएटेड एक संगठन है पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, उसके तरफ से हम ये संग्रामी यौथ मंच में हमारा जो ये डिमांड है डीआरएनएस अलाउंस और जो नॉन ट्रांसपेरेंट जो रिक्रूटमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी और डिफरेंट स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में, इसके ऊपर जो एजिटेशन डेमोनस्ट्रेशन चल रहा है इसके ऊपर हम ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ से हमारा संगठन का नाम है पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ। यहाँ पर पेंशन को लेकर जो एजेंट लोग हैं, जो उम्र दराज है, उनको तो बहुत दिक्कत, किस किस चीज़ों की परेशानी इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है? बहुत सारे ये बहुत दिन से चल रहा है। पहले एजिटेशन और सीटिंग डेमोनस्ट्रेशन हो रहा था, फिर उसके बाद अनशन कर्मसूची शुरू हुआ है। हमारा यहाँ पे हर एक दिन यह क्या जो हमारा अनशन मंच है, अनशन मंच पे जो
हमारा कर्मचारी बंधु यहाँ पे अनशन कर रहा है, इसको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो हमारा भास्कर घोष दादा है और जो अभी बंद जो हमारा सहकर्मी है उसको मोर देन 5 टाइम्स 10 टाइम्स उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, रेगुलर उसको डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ रहा है। कहना है कि ये लोग यहाँ पे 45 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए, अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये लोग इस धरना को इसी तरह से जारी रखेंगे। लेकिन एक संग्रामी ज्योत मंच हमारे भास्कर दा के नेतृत्व में जो संग्रामी ज्योत मंच यहाँ पे निरंतर चल रहा है, इस ज्योत मंच में हमें डीए ही नहीं यहाँ पर शिक्षा जगत में जो हमारे ही भाई गांधी मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं उनके साथ दुर्नीति हुआ है, उनको शिक्षा जगत में नौकरी मिलने की बात थी लेकिन हमारे पूर्वत शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय ने जो अयासी के चक्कर में आके करोड़ों रुपया उनके घर से मिला लेकिन उन मेधावी छात्रों को नौकरी से वंचित किया। मैं जब उनसे मिला शिवरात्रि के दिन, मैंने जब उनको पानी पिलाया, मैंने जब उनको इलेक्ट्रोल पाउडर दिया तो मेरे आँख से पानी आ गया। क्या दोष किए थे वो मेधावी छात्र कि पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों को यहाँ नौकरी से वंचित किया जाएगा। उनके बदले में नौकरी मिली उन लोगों को जो 15 लाख 20 लाख रुपया अंडर टेबल पैसा दे के पार्थो चट्टोपाध्याय के संग्रामी बंधुओं के साथ नौकरी दिलाए। इन दुर्नीति मुक्त शिक्षा जगत को दूर करने के लिए डीए आंदोलन को जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, हम लोग 6 मामले में हमारे सरकारी कर्मचारी की जीत हुई है और एक मामला की सुनवाई 15 मार्च को होने वाली है और हम लोग पूरे भरोसे के साथ विश्वास के साथ बाबा भोले बाबा शंकर के तरफ से फाइट फॉर एम्प्लॉय राइट की तरफ से हम लोग 510 शिक्षक मिलके यहाँ धरना मंच के सहयोग दे रहे हैं। हम लोग सफल होंगे इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपना वक्तव्य ताराचंद कागजी सर्कल 14 कोलकाता प्राइमरी स्कूल का शिक्षक 18 साल से शिक्षागत अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। हमने सबसे बातचीत की, यहाँ पर लोगों को क्या परेशानी है, लोगों ने क्यों आंदोलन किया है, आंदोलन की वजह भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारी का ये कहना है कि अगर ये मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर नाखुश हैं, डीए को लेकर, नौकरी को लेकर हर समस्या हर परेशानी आप लोगों ने भी सुनी होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। दीजिए हमें शुक्रिया।